नमस्कार दोस्तों, मैं दर्श बिल्लानी अपने चैनल दर्शनम में स्वागत करता हूँ। इस साल हम भारत की आज़ादी का 77वां साल यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस साल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा यह अभियान है। इस अभियान का यह दूसरा साल है। इससे पहले हमारा झंडे के साथ संबंध सदैव कॉलेज, स्कूल या फिर ऑफिस के तक ही रहा है, पर इस साल हम वो झंडा घर पे लगा के झंडे के साथ व्यक्तिगत संबंध बता रहे हैं। यह राष्ट्र निर्माण में हमारी कमिटमेंट दिखाता है। इससे हमारे मन में राष्ट्रभक्ति की भावना निर्मित होगी। इससे हमें स्वतंत्र सैनिकों की याद भी आएगी। लेकिन इस तिरंगे को लगाने के लिए कुछ नियम है। यह तिरंगा हाथ से बुना सिला या फिर मशीन से सिला हुआ किसी भी कपड़े का बना हुआ रह सकता है। ध्वज की लंबाई और ऊंचाई का प्रमाण 3:2 होगा। ध्वज अगर किसी खुली जगह में या किसी नागरिक के घर पे फहराया जाता है तो वो उसे दिन रात फहरा सकते हैं। अस्त व्यस्त या फिर फटा हुआ ध्वज कहीं भी फहराया नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान में रखना कि केसरी रंग हर बार ऊपर ही होना चाहिए। ध्वज अगर किसी खुली जगह में या किसी नागरिक के घर पे फहराया जाता है तो वो उसे दिन रात फहरा सकते हैं। अस्त व्यस्त या फिर फटा हुआ ध्वज कहीं भी फहराया नहीं जाना चाहिए। आप ध्यान में रखना कि केसरी रंग हर बार ऊपर ही होना चाहिए। घर पे राष्ट्रध्वज के साथ कोई और ध्वज या फिर ध्वजपट नहीं लगाया जाना चाहिए। राष्ट्रध्वज का उपयोग किसी भी तरह की सजावट में नहीं होना चाहिए। राष्ट्रध्वज को जमीन या फर्श का स्पर्श नहीं होना चाहिए। राष्ट्रध्वज को कार में लगाने की अनुमति सिर्फ कुछ लोगों को दी गई है, जैसे उदाहरण राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। राष्ट्रध्वज के 3 रंगों का अपना महत्व है, जैसे केसरिया रंग का साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग सच्चाई, शांति और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, हरा रंग संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। ये 3 रंग मिलाकर देश के गौरव का प्रतीक बनाते हैं और भाईचारे का संदेश देते हैं। यह देश की आन बान और शान है। हर घर तिरंगा इस अभियान में सहभाग लेकर जनता में उत्साह, एकता और राष्ट्रीय भावना बढ़ती है। हर घर तिरंगा इस अभियान के बाद तिरंगा कैसे संभाल के रखना है, यह हम अब देखेंगे। अगर आपको और कुछ ऐसे वीडियो अपने देश के बारे में देखने हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। पर नीचे कमेंट में बताने के पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। जय हिंद, जय भारत।